और अक्सर मैं जब गाने गाता हूँ कुछ वो करता हूँ ना, तो लोग अक्सर मुझे कुमार सानू से मिला देते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ बरीरा भट्ट और हम हैं आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद जिसका नाम है मैं और आप। इसमें हम कुछ नए टैलेंट्स को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन को आपके सामने पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत पुरसोज गुलकार मौजूद हैं जिनकी गुलकारी और मौसीकी किसी तारीफ की मोहताज नहीं, और उनके काम को हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और उनके तारुफ से पहले, एक प्रॉपर आगाज़ से पहले, मैं चाहूँगी कि हम उनका इस प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से करें। तू ही है मालिक, तू ही खुदा है, तूने ही हमको पैदा किया है। ना शुक्रे हैं हम, ना शुक्रे हैं हम, कैसा है इंसान जो भूल गया है, ये कैसा है इंसान जो भूल गया है। ना शुक्रे हैं हम, ना शुक्रे हैं हम। थोड़ा सा मौसीकी के हवाले से बताएंगे, अब बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो आपके हमें जी ऑन एयर हो चुके हैं, तो इसकी इब्तिदा कैसे हुई, कैसे आपने डिस्कवर किया कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, और इसको सबसे पहले कैसे पॉलिश करने का इरादा किया, फैसला किया? सब में पहले तो एक बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये गॉड गिफ्ट अता की आवाज़। तो आवाज़ अल्लाह पाक किसी किसी को देता है। तो मैं बचपन से मेरे को बहुत शौक़ था सिंगर बनने का, और मैं नात पाँव भी था, नाते भी पढ़ता हूँ, और नाते पढ़ने का बहुत शौक़ है। और एक्चुअल मैं बहुत बचपन से गुनगुनाता था और कहीं भी बैठ के गुनगुनाने शुरू कर दिया। अक्सर कुछ लोग बोलते थे कि यार आप आवाज़ अच्छी है और आप ना ये सॉन्ग सुनाएं या ये कोई गाना सुना दें, तो मैं सुनाने लग जाता था। तो इसी तरीके से करते करते थोड़ा जब बड़ा हुआ तो दिल में चाहा कि यार किसी चैनल पे आए। उस वक्त यूट्यूब वगैरह कम थी, यानी कि मीडिया का दौर उस टाइम कम था। तो ये है कि दिल में हसरत थी कि किसी चैनल पे आए। तो अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब चैनल पे भी आया, और दो तीन चैनलों से मैंने अपने सॉन्ग का आवाज़ भी किया। तो इस तरीके से ये सफ़र आपका शुरू हुआ, और जो कि अभी रवा दवा है जी, इंशाल्लाह इसको आगे जारी सारी रखेंगे इंशाल्लाह। मौसीकी के हवाले से बताइए थोड़ा सा कि आपकी आवाज़ में जो सोज है, और एक जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, पेश करते हैं, उसमें एक मानवियत वाज़े तौर पे हमें नज़र आती है कि उस चीज़ को समझ कर, एक प्रोसेस से गुजर कर, फिर वो चीज़ एक चैनलाइज हुई है। तो मौसीकी को आप क्या समझते हैं, मौसीकी क्या है, और किस तरह के एनवायरनमेंट में मौसीकी प्रोड्यूस करते हैं आप? आपको लगता है कि ये एक बेहतरीन माहौल है जिसमें काम करूं तो एक बेहतर चीज़ सामने आती है? मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको कहीं गुनगुनाया जाए, अगर कहीं जैसे शोर शराबा होता है उधर इतना मज़ा नहीं आता। अब दिल चाहता है कि अब मैं अक्सर कहीं ना तन्हाई पसंद हूँ, जहाँ जाके ना जहाँ पर बैठूँ, पार्क में जाके बैठ गया, वहाँ पर गुनगुनाया, जैसे समंदर के किनारे, तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं इसी तरीके से अपनी किसी तन्हाई जगह जैसे कमरे में अकेले इस चीज़ को गुनगुनाया, और इसी तरीके से मैं लिखता हूँ, और उसी तरीके से मैं इसको तैयार करता हूँ, और उसमें मुझे मज़ा भी आता है। और फिर वो चीज़ अच्छी भी बनाता हूँ मैं, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी बने। इन्होंने हमें बताया था, और मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूँगी कि शाह खालिद अपने लिरिक्स खुद लिखते हैं, इसके अलावा अपने जो इनके लिरिक्स हैं उनकी कंपोजिशन भी ये खुद ही करते हैं जी। और ही इज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच वेरी टैलेंटेड। अच्छा, एक बहुत आपका जो सॉन्ग था बहुत मशहूर हुआ था, जो कि माँ के हवाले से था जी, जी। और माँ मेरी माँ इनका जो ट्रैक था वो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, उसके अगर चंद इशारे आप। हे माँ,
माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, जीना नहीं तेरे बिना, ममता तेरी याद आए एक पल भी चैन न आए, माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, जीना नहीं तेरे बिना। जी व्यूअर्स, ये हैं शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी समातों में रस घोल रहे हैं, और इनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो मौसीकी है, ऐसा समझा जाता है, चाहे वो गायकी है, मौसीकी है, शायरी है, उसके जो मुहरिकात होते हैं वो तकलीफ़ दे होते हैं, दर्द ने उस तकलीफ़ को जिसके बाद आपने उस हवाले से सोचा तो आप लिखने लगे, और मतलब खुद ब खुद एक चीज़ अंदर से निकलने लगी। मैं जब ये कुछ लिखता हूँ ना तो उसकी उस गहराई में जाता हूँ कि ये आगे जाके अगर मैं इसको गाऊँ तो इसके लोग इसको सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। तो जब उनके अशार लिख लेता हूँ तो उसके बाद में उसको दो तीन दफ़ा मैं चेक करता हूँ, तो जब अच्छी चीज़ बनती है तो फिर मैं उसको गाता हूँ। अच्छा, यानी पहले आप उसको लिखते हैं जी, और फिर आप उसको ऑब्वियसली इसको कंपोज तो आप हाँ कंपोज उसके बाद जब कंपोज कर लेता हूँ, उसके बाद जब उस कंपोज करके कंपोज के साथ लिरिक्स लिखता हूँ ना तो फिर मैं देखता हूँ कि ये आगे कोई सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो है वो जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे इस तरीके के सॉन्ग लिखते हैं कि सॉन्ग शायरी इधर जा रही है और म्यूजिक इधर जा रहा है और उसके लफ्ज है ही नहीं, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप उस चीज़ की तरफ। ठीक, अच्छा थोड़ा सा हमें अपने पसंदीदा गुलूकारों के हवाले से बताइए कि किन का काम ज़्यादा देखते सुनते हैं और इंस्पायर किससे हैं। हमारे पाकिस्तान में जो और पूरी दुनिया में छाए हुए जो बेताज बादशाह वो हैं राहत फ़तेह अली खान, जो दुनिया पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, और इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो बहुत उनको वो करता है लाइक, और उधर की आवाम भी सुनती है उनको। और आतिफ असलम है हमारे, और वैसे मैं जो जिनको ज़्यादा वो करता हूँ एक तो राहत फ़तेह अली खान ये और आतिफ असलम है, और इंडिया में है उदित नारायण और कुमार सानू। और अक्सर मैं जब गाने गाता हूँ कुछ वो करता हूँ ना तो लोग अक्सर मुझे कुमार सानू से मिला देते हैं। इस वक्त मैं कोशिश में लगा हूँ और एक नया एक हम्द कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से वो हम्द कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह रमज़ानों से पहले पहले मैं अपने चैनल पे वो अपलोड करूँगा, और अभी उसकी इंशाल्लाह ताला कोशिश जारी है, उसका एक म्यूज़िक मैं तैयार करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ताला वो रमज़ानों में अपलोड करा दूँगा। व्यूअर्स, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा, और हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह खालिद, और जिनके आपने बहुत से कलाम भी सुने, इनकी कंपोजिशंस भी सुनी, और अब इख्तिताम पर हम आपको कुछ चुलबुला सा दे कर जा रहे हैं जिस पर आप मुस्कुरा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। बरीरा भट्ट फ्रॉम बी एन टी वी। किसी की न सुने और किसी की न माने, कोई समझाए हंस के टाल दे हम, टाल दे हम, टाल दे, कोई हमें क्या समझाए, समझे हुए बॉयज हैं हम, चल बाबा थोड़ा साइड में हो जा, राइडर भी हैं हम, नया है जमाना और नई है उमंग, यूं इस डाल के बॉयज हैं हम, किसी की न सुने।